सेमीफायनलसाठी क्वालिफाय झाल्याबद्दल खूप खूप शुभेच्छा. गोकुळ आयडे यांच्याकडनं संजू भाऊ यांच्यासाठी 501 रुपयाचं बक्षीस. चला बॅट्समन, नेक्स्ट बॅट्समन, चला. नंतरची जी मॅच आहे वीर तानाजी वर्सेस सिद्धी इलेवन, या मॅचसाठी जे अंपायर्स गेलेले ते रविदादा आणि गौरव आगुल. माणुसकी इलेवन आजच्या दिवसाचा तिसरा सामना, क्वार्टर फायनलचे सामने खेळवले जात आहेत. दोन सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये पहिला संघ साई इलेवन हा क्वालिफाय केलेला आहे सेमीफायनलला, आणि आताच झालेल्या सामन्यात वीर तानाजी वॉरियर्स हा दुसरा संघ सेमीफायनलसाठी क्वालिफाय करणारा ठरला. आता ही हा जो सामना होतोय तो माणुसकी इलेवन आणि सिद्धी इलेवन या दोघं संघांदरम्यान. माणुसकी इलेवन संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय या ठिकाणी घेतलेला आहे. सुरुवातीचे फलंदाज सिद्धी इलेवन संघाकडनं मैदानात पोहोचलेले आहेत जुबेर शेख आणि विकास. गोलंदाजी मार्कवर राहुल खैरनार. स्कोरर ऋषिकेश मंडळे रेडी. पहिला चेंडू फिरून गेलाय त्याला सीमारेषेच्या बाहेर, फाइन लेग आणि स्क्वेअर लेग मधून चौकार. ओव्हर टू डीजे. राहुल अगर हैट्रिक बनाते हैं तो दोस्तों का इनाम किरण दादा इनकी ओर से. ये गेंद चांगला चेंडू ड्राइव करा गेला, फटका खेळलेला है कवरच्या दिशेने सुंदर दर्जेदार अव्वल अप्रतिम अफलातून असं शतरक्षण. सागर आधार पवार यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने चेंडू अडवला, निश्चितच आपल्या संघासाठी काही धावा त्यांनी वाचवल्या. राहुल खैरनार गोलंदाजी करतायत उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी. आता शतरक्षणात थोडा बदल केला जातोय. चांगला फटका दर्शनीय अव्वल दर्जाचा चेंडू होतोय सीमारेषेकडे. या षटकातला दुसरा चौकार विकासच्या अंत्य बॅटमधून पहिला सुंदर आक्रमक अव्वल दर्जाची सुरुवात या ठिकाणी झालेली आहे सिद्धी इलेवन संघाची.
वा परत एकदा सुंदर दर्शनीय ऑन ड्राइव्ह क्रिकेटच्या बुक मधला सगळ्यात बेस्ट स्ट्रोक गेलाय तो सीमारेषेबाहेर चौकारासाठी. विकासांच्या बॅटमधून आपली क्लास दाखवताना पहिला चेंडू खेळला होता तो स्क्वेअर कटच्या माध्यमातून चौकार आला आणि हा सुंदर ऑन ड्राइव्ह गेला मैदानाच्या मधून मिड ऑन आणि मिड विकेट मधून चार धावांसाठी. दर्शनीय फटकेबाजी. परत एकदा मिडॉनच्या दिशेने चेंडू गेला आहे थोडा मिड विकेट मध्ये आहे पायाने अडवला गेला. योगीजी मोरे यांचं सुंदर दर्जेदार अव्वल अप्रतिम अफलातून खूपच सुंदर असं क्षेत्ररक्षण म्हणूया. पायानं चेंडू अडवला वेगाने खेळलेला फटका होता एकच धाव त्या ठिकाणी मिळाली. वा क्वालिटी कर्णधार धावतायत नाही अडवला जाणार चौथा या षटकातला चौकार आला षटक संपलं 18 धावा. गोलंदाजीत काय खराबी नव्हती मात्र फलंदाजी खूप अव्वल दर्जाची राहिली उत्कृष्ट दर्जाची फलंदाजी राहिली आणि ती नितांत गरज आहे ती आता बळी घेण्याची ज्या पद्धतीने सुरुवात केलेली आहे. 18 धावा बघता बघता धावफलकावर आल्या चार चौकार कुठल्याही प्रकारची रिस्क न घेता त्यांनी या ठिकाणी मारलेत. यावरून फलंदाजी करणारा संघ सिद्धी इलेव्हन च्या फलंदाजांची मानसिकता या ठिकाणी कळते कशा पद्धतीच्या माइंडसेटने मानसिकतेने मैदानात गेले ते फलंदाजीचं निमंत्रण स्वीकारत 18 धावा ठोकल्यात पहिल्या षटकात. चांगल्या गोलंदाजीवर 18 धावा आल्यात सगळ्यात महत्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे ते गोलंदाजी काही खराब नव्हती मात्र फटकेबाजी खूप छान झाली. या सामन्यासाठी पंचांच्या भूमिकेत MTCPL चे आधारस्तंभ रविदादा आणि त्यांच्यासोबत गौरव. चांगला फटका खेळला मेडावांच्या दिशेने सुंदर क्षेत्ररक्षण राहुल आता षटक संपन्न करून गेला होता मात्र एक दर्जेदार धाव या ठिकाणी पूर्ण केली अव्वल दर्जाची धाव उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट ज्याला म्हणतात. खेळपट्टीवर अतिशय चपळाईने धावलेत आणि एक चोरटी धाव या ठिकाणी पूर्ण केली. मोहन गोलंदाजी करतोय हलक्या हाताने ड्राव्ह केलाय मिड ऑफ आय मीन कव्हरच्या दिशेने. योगेशजी मोरे यांचं चांगलं क्षेत्ररक्षण सर्कलला लागून क्षेत्ररक्षण होते त्यामुळे एक धाव त्या ठिकाणी अतिशय सहजतेने या ठिकाणी संपन्न झाली पूर्ण झाली आणि दोघांमध्ये जे अंडरस्टँडिंग दिसतंय त्यावरून निश्चितच म्हणावं लागेल डावहानी. उजव्या हाताचा हा फलंदाज चांगला फटका मात्र फटका फसला वाटतं. मिड ऑफ वर झेलबाद कर्णधार शुभम आहिरे यांचा झेल अशा पद्धतीने पहिला झटका लागला. नेक्स्ट बॅट्समन वॉक इन द मिडल नवीन बॅटर्स मैदानात जॉन्टी 333 बघूया कशा पद्धतीने खेळतो. एक गडी बाद झालेला आहे पहिला हादरा पहिला झटका पहिला गडी या ठिकाणी गमवावा लागला एक चांगल्या सुरुवातीनंतर.
म्हणूनची चांगली गोलंदाजी आपण म्हणू शकतो. क्षेत्ररक्षणात बदल केला जातोय. मानसिक इलेव्हन संघासाठी विकेट घेणं खूप अनिवार्य आहे. चांगली गोलंदाजी पुढे सरसावत हलक्या हाताने खेळून काढला कवरच्या दिशेने. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक शुभम आहिरे पुढे जातात चेंडू उचलतात फेकी करतात. फेकी केली नाही त्यांनी. एक धाव संपन्न झाली सहजतेने. वाव एक्स्ट्रा कव्हर वरून लॉफ्ट केलाय त्याला सीमारेषे पलीकडे वन बाउन्स चौकार डीजे. मयूर जगताप आणि सचिन जगताप यांच्याकडून प्रत्येक विकेट साठी 100-100 रुपयांचं पारितोषिक असेल. परत मिसफील्ड चेंडू कव्हर सीमारेषे पलीकडे चार धावा जोरदार फटका होता. ऑकवर्ड बाउन्स चेंडू अडवला गेला नाही षटक संपलं. दोन सुटकांच्या खेळानंतर 29 धावा झालेल्या आहेत. जॉन्टी जर या षटकात तीन षटकार खेचतात तर त्यांना युवा शूजकडून शूज देखील दिले जातील आणि किरण दादा यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक देखील दिलं जाईल. बघूया 112 षटकार आतापर्यंत या मालिकेतला लगावले गेलेत फलंदाजांकडून. 192 चौकार देखील झालेले आहेत. 29 धावा दोन षटकांच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय फलंदाजीचं निमंत्रण सिद्धी इलेव्हन या संघाला. 29 एक गडी बाद दोन षटकांच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर तिसऱ्या षटकासाठी गोलंदाजीवर गोलंदाजी मार्कवर योगेशजी मोरे दिसत आहेत. षटक सुरू होते. नवीन षटकातला पहिला चेंडू खेळून काढलाय मिडअपच्या दिशेने. चेंडू ट्रॅव्हल होतोय कव्हरचा छत्रक धावतोय फुल स्वीपर कव्हरचा छत्रक धावून चेंडू उचलतो फेकी करतो दर्जेदार फेकी अव्वला अफलातून अप्रतिम क्षेत्ररक्षण झालेलं आहे. धावचित करण्याचा प्रयत्न पंचांचा निर्णय तिसऱ्या पंचांसाठी पाठवला गेलेला आहे. वाह
अफलातून दर्जेदार असं शतरक्षण, अव्वल दर्जाची फेकी आणि तेवढ्याच सुंदर पद्धतीचं यष्टीरक्षण कलेक्शन करून ऑकवर्ड पोझिशन मधून स्टंप वर चेंडू लावला आणि धावचित केलं. 30 धावांवर 2 गडी बाद आता आहेत. नवीन बॅटर्स अजय मैदानात. चांगल्या गोलंदाजी सोबत चांगलं क्षेत्ररक्षण असणं आवश्यक असतं. क्रिकेटच्या एक सांघिक खेळात सगळ्या खेळाडूंना आपलं कार्य बजावावं लागतं, चांगल्या पद्धतीने पार पाडावं लागतं. काय क्षेत्ररक्षण होतं विनोदजी यांचं. चंचल मोबाईल शॉपीचे ओनर विनोद भाऊ यांनी अतिशय दर्जेदार क्षेत्ररक्षणाचा नमुना या ठिकाणी दाखवला. योगजी हिरे चांगला लेंदवार सुंदर फ्रंट फुटवर येतं, सुरक्षित खेळून काढलं आणि कॉन्फिडेंट या ठिकाणी पाहू शकतो आपण. गोलंदाजाचा अतिशय सुंदर चेंडू होता. ऑफस्टंपच्या बाहेर टप्पा घेत इनस्विंगिंग चेंडू आतल्या दिशेला त्याचं वळण. परत एकदा चांगला लेंथवर चेंडू ड्राईव्ह केलाय त्याला. पहिली धाव पूर्ण केलेली आहे. कव्हरचा दिशेने क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत मिड ऑफहून धावत येऊन चेंडू अडवतो एक धाव घेण्यात यशस्वी. 31 धावा या एकेरी धावेने. 19 धावसंख्या. धावफलकावर सिद्धी इलेव्हन या संघाची. नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय माणुसकी इलेव्हन संघाचा. डाव्या हाताच्या फलंदाजासाठी राऊंड विकेट यायचं ठरवलेलं आहे योगेशजी मोरे यांनी. जुबेर अतिशय चांगली फलंदाजी करतोय. 6 चेंडूंचा सामना करत 18 धावा त्यानं आतापर्यंत केलेल्या आहेत. परत एकदा त्यानं पेस युज केला आहे. चांगलं सुंदर दर्जेदार अव्वल अप्रतिम सुरेख असं क्षेत्ररक्षण यष्टीरक्षकाच्या मागे. निश्चितच चेंडू अडवला गेला अन्यथा 4 धावा त्या ठिकाणी मिळाल्या असत्या. 1 धाव खर्च झाली, 3 धावा वाचवल्या आपल्या संघासाठी. चांगली गोलंदाजी, अव्वल दर्जाची गोलंदाजी. अखो टप्प्याचा चेंडू होता ज्याला खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा, चुकला. 2.4 षटकांच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर 32 धावा धावफलकावर 2 गडी बाद 32 सिद्धी 11. प्रथम फलंदाजीचं निमंत्रण स्वीकारत आहे. परत एकदा चांगल्या लेंथवर गोलंदाजी. कट करायचं होतं तेवढी टायमिंग व्यवस्थित झाली नाही. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक धावत येतो सीमारेषे जवळून पॉइंटच्या दिशेने चेंडू अडवतो 1 धाव घेण्यात यशस्वी. षटक संपलेला आहे. ओव्हर टू डीजे. Thank you.
33 रन बने हैं, ओवर पूरा हुआ, तीसरा नए ओवर की शुरुआत हो रही है। राहुल गेंदबाजी करेंगे, अच्छा गेंद रक्षात्मक तरीके से खेला, बहुत ही जबरदस्त कमबैक कह सकते हैं। दो ओवर के बाद 29 रन थे, लाजवाब ओवर रहा योगेश जी मोरे, इनका केवल 4 रन उन्होंने खर्च किए। राहुल अ का पहला ओवर थोड़ा महंगा जरूर रहा था, लेकिन नए ओवर की शुरुआत अच्छी हो चुकी है। ये गेंद राहुल की बिल्कुल गति नहीं थी, स्ट्रोक खेला जरूर है, काफी लंबा ग्राउंड कवर कर रहे योगेश जी मोरे, पीछे खिलाड़ी है मोहन, जब तक गेंद को फील्ड करे उठाए थ्रो करे आसानी के साथ एक सिंगल रन। नॉकआउट के मुकाबले चल रहे हैं, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई होने वाली टीमें दो आगे जा चुकी है, साई इलेवन और वीर तानाजी वॉरियर्स, ये दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई हो चुकी है। एक बार फिर अच्छी गेंद ड्राइव लगा, इस बार बाएं हाथ के खिलाड़ी जुबेर शेख ने, जब तक फैजान खान बाउंड्री लाइन के नजदीक गेंद को उठाए आसानी के साथ एक सिंगल रन बना। राहुल बाएं हाथ से राउंड विकेट, अच्छी गेंद विकेट कीपर की बाई ओर, स्टर्लिंग अंपायर की दाई ओर, शानदार फील्डिंग, पैरों से रोक लिया। एक बार फिर योगेश जी मोरे का शानदार परफॉर्मेंस फील्डिंग में, कम से कम एक रन बचाया वहां, और इसी तरह की फील्ड प्लेसमेंट की दरकार है। फील्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वही बैटिंग करने वाली टीम काफी अच्छे आगे बढ़ रही है। कुल मिलाकर 35 है, चौथा ओवर जारी है, अब तक 3 गेंदे हो चुकी है चौथे ओवर की, 4 गेंदे हो चुकी है। ये इस बार लॉफ्ट कर दिया है, बहुत ही जबरदस्त छक्का जड़ दिया है मिड विकेट के बाहर, गेंद को उठाकर फेंक दिया है 6 रन के लिए। ये भी जबरदस्त स्ट्रोक खेला है, शानदार फील्डिंग, लाजवाब थ्रो भी कह सकते हैं अंतिम गेंद के ऊपर, सिंगल ओवर पूरा हुआ। कुल मिलाकर 43 रन बने, अब तक 113 छक्के और 292 चौके इस टूर्नामेंट में लग चुके हैं, 43 धावा झालेल्या आहेत। ओवर टू डीजे। जुबेर अगर छक्का लगाते तो अल अजीज जिम खाना के ओनर मास्टर जी इनकी ओर से 100 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये लाजवाब टाइमिंग, 6 रन 100 अर्जित कर लिए। आवाज कर दंका असौरी
नवरी युनिवर का नवर तो नवरी गिलाव ठुमका अगर बैक टू बैक तीन छक्के अगर लगाते हैं तो निजाम खान इनकी ओर से 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। एक लग चुका है और हर एक छक्के के लिए आसिफ जी मास्टर अल अजीज जिम खरा के ओनर मास्टर जी इनकी ओर से हर छक्के के लिए 101 रुपए का इनाम। जुबेर 33 बना चुके हैं 11 गेंदों के ऊपर। योगी जी मोरे गेंदबाजी कर रहे हैं। ये गेंद ऑफ टर्म के काफी ज्यादा बाहर थी, खेलने का प्रयास जरूर था। वाइड अंपायर का डिसीजन आ रहा है रवि दादा इनका। और इसी वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन जो मिला, 50 रन पूरे हुए 4.1 ओवर का खेल, 52 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर सिद्धि बहुत ही बेहतरीन कमांडिंग पोजीशन के ऊपर अभी फिलहाल बल्लेबाजी हो रही है। ये बेहतरीन टाइमिंग जरूर है, लेकिन मैदान के अंदर ये गेंद मौका बना, विकेट गिरा, जुबेर शेख आउट। 33 रनों की शानदार पारी, 12 गेंदों के ऊपर 33, 50-35 खिलाड़ी मैदान से बाहर। ओवर टू डीजाई। विकी भाग्यानी पाउरी उन्नी बरका वाजाड़ बैंड वाला दे धन का, विकी भाग्यानी पाउरी उन्नी बरका वाजाड़ बैंड वाला दे धन का। बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी भी कह सकते हैं। 114 छक्के और 292 चौके अब तक लग चुके हैं। कुल मिलाकर 1.2 ओवर की गेंदबाजी, कोई मेडल ने 11 रन और एक सफलता। यह बॉलिंग एनालिसिस योगेश जी मोरे का। 50 रन बने हैं 3 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर, 4.2 ओवर। अगले खिलाड़ी मैदान के अंदर आनंद जी। ये अच्छा स्ट्रोक खेला खिलाड़ी जरूर है, अच्छा बाउंस मिला, पूर्वानुमान अच्छा था, आसानी के साथ गेंद को फील किया, फ्लैट थ्रो लगाया, नॉन स्ट्राइकिंग आई मीन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर विकेट कीपर ने गेंद को फील किया, फैजान खान ने अच्छा रोका, अच्छी फील्डिंग सीमा रेखा के नजदीक। खिलाड़ी की 51 रन इस एक सिंगल के साथ, 3 गेंदें हो चुकी है अब तक इस ओवर से। काफी अच्छी गेंदबाजी, अच्छा कमबैक कह सकते हैं। लाजवाब गेंदबाजी, अच्छा मिश्रण कर रहे, स्लोअर वन था, चारों खाने चित। सात गेंदों के ऊपर 4 रन बनाकर अजय स्ट्राइक ले रहे हैं। 51 3 खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर, 4.4 ओवर का खेल, जबरदस्त गेंदबाजी इस ओवर से।
ये अच्छा गेंद था, एक बार फिर सही से टाइम नहीं हो पाया विकेट कीपर की बाई और स्क्वेयर लेग अंपायर के पीछे जिसे कह सकते हैं, वहां गेंद गया था बहुत ही खराब थ्रो, बहुत ही ज्यादा खराब, पैरों से रोक लिया वरना बहुत सारे रन मिल सकते थे वहां। बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी, ओवर पूरा हुआ, रवि दादा का डिसीजन आता हुआ। एमडीसीपीएल के बैकबोन जिनके बेहतरीन नेतृत्व में कह सकते हैं कि एमडीसीपीएल एक बहुत ही आदर्श टूर्नामेंट अभी जो चल रहा है। आज के दिन अंपायरिंग का दारोमदार अपने अनुभवी कंधों के ऊपर लिए हुए हैं, मैदान के अंदर उनका साथ दे रहे गौरव, कुल मिलाकर 53 रन बने हैं, 5 ओवर का खेल पूरा हुआ। अनौर क्या है, पहली गेंद है, बहुत ही अच्छी गेंद थी, अफ्टम के आसपास का गेंद है, खेलने के प्रयास में चूके अच्छी लंबाई के ऊपर अच्छी दिशा के साथ, कुल मिलाकर 53 एट द मोमेंट, लॉस ऑफ द 3 विकेट्स, 5.1 ओवर्स प्ले। लखन देने हाचे राउंड विकेट शॉट गेंद, बेहतरीन टाइमिंग, अच्छा रोका, तेज शॉट था, रिकवरी हो रही है, अच्छी रिकवरी, एक ही रन बना, दूसरे रन की गुंजाइश नहीं थी वहां, एक रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। अच्छा, 154 इन दिस वे, जबरदस्त गेंदबाजी, अफ्टम के बाहर का गेंद ऑन साइड की दिशा में खींचकर खेलना चाहते थे, फंबल हुआ, पहला रन पूरा हो गया आसानी के साथ, दूसरा भी पूरा हो जाएगा। फील्डिंग में आज कुछ इतना अच्छा दिन उस दिशा में खड़े रहे हुए खिलाड़ियों का रहा नहीं है, बहुत सारी गलतियां वहां उस दिशा में होती रही है आज के दिन, वरना काफी अच्छी फील्डिंग इस टूर्नामेंट में अब तक देखने को मिली है। अनबिलीवेबल कैच, बहुत ही लाजवाब कैच लगता है।
विकेट की बैटिंग के बाद द फॉल ऑफ विकेट द नेक्स्ट मैन वॉक इन टू द मिडल पुष्पक जी पगार और इस कैच के लिए चंचल मोबाइल शॉप के ओनर मिलिन बाबा इनकी ओर से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। विनोद जी छप्पन चार खिलाड़ी को नुकसान के ओवर 5.4 ओवर के खेल में अब तक कुल मिलाकर 56 रन बने हैं। ये अच्छा गेंद बहुत ही खूबसूरती के साथ खेला है पीछे खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन के नजदीक लाजवाब पुष्पक जी पगार यांच्या प्रत्येक षटकारासाठी लारा भाऊ यांच्याकडून 101 रुपयांचं पारितोषिक जाहीर करण्यात आलेलं आहे। षटक संपलेलं आहे या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावा आहेत त्या 57 धावा। छह ओवर के बाद 57 रन बने हैं 57 एट द कंप्लीशन ऑफ अ सिक्स ओवर्स प्ले सेवंथ ओवर इन प्रोग्रेस इट विल गोइंग टू बी द बॉल मोहन चौधरी इंडिविजुअल सेकंड एंड द सेवंथ ओवर फॉर हिज टीम द बैट्समैन पुष्पक जी पगार। ये गेंद लॉफ्ट कर दिया है बेहतरीन टाइमिंग और ये हो गया 6 रन 101 अर्जित कर लिए है पराग दीक्षा वाले इनकी ओर से 101 रुपए का इनाम दिया जाएगा। अंपायर का डिसीजन आता हुआ रवि दादा के दोनों हाथ हवा में यस थैंक यू विजय संघ फरंगाडून देखील 100 रुपयांचं पारितोषिक प्रत्येक षटकारासाठी असेल 101 रुपयांचं पारितोषिक प्रत्येक षटकारासाठी संघ फरंगाडून आणि श्री भाऊ यांच्याकडून देखील 101 रुपयांचा पारितोषिक प्रत्येक षटकारासाठी पुष्पकजी पगार यांच्या प्रत्येक षटकारासाठी पारितोषिकांचा वर्षाव या ठिकाणी होतोय। चांगला लेंथवर मोहनचा हा चेंडू आपच्या यष्टीच्या बाहेर खेळण्याचा प्रयत्न ऑफस्टंप के बाहेर खेळणे का प्रयास था चुके लाजवाब टाइमिंग लंजिंग ऑन ड्राइव जिसे कहते हैं लाजवाब फील्डिंग जरूर है बेहतरीन पिकअप और बेहतरीन थ्रो लेकिन सिंगल रन नहीं रुकने वाला था एक रन फिर भी बना अच्छे स्ट्रोक के ऊपर केवल एक ही रन बना। सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि एक बेहतरीन टाइमिंग थी हल्का सा दाएं बाएं होता तो फिर सीमा रेखा के बाहर चला जाता बेहतरीन टाइमिंग। पुष्पक जी पगार बहुत ही बेहतरीन टच में खेल रहे हैं जजवाड़ी प्रीमियर लीग में भी बहुत ही लाजवाब परफॉर्मेंस इनका रहा था। आनंद जी के लिए गेंद लगभग लगभग यॉर्कर गेंद था खदेड़ के निकाला उसको वो टाइमिंग बिल्कुल नहीं थी शॉट मिड विकेट की दिशा में गेंद आ रहा था एक सिंगल रन आसानी के साथ पूरा हुआ।
अच्छा स्ट्रोक नहीं खेल पाए, जिस दिशा में खेलना चाहते थे उस दिशा में गेंद गया नहीं, स्क्वायर लेग अंपायर की दाई और फाइनल की दिशा में राहुल ने गेंद को फील्ड किया, सर्कल के अंदर विकेटकीपर की बाई और पीछे गेंद फील्ड हुआ, सिंगल रन बना, टाइमिंग नहीं हो पाया था वो स्ट्रोक, अच्छी गेंदबाजी भी कह सकते हैं। मोहन 1.4 ओवर 19 रन देते हुए एक खिलाड़ी आउट कर चुके हैं, कुल मिलाकर 65 रन। ये फुल टॉस टाइमिंग लाजवाब है, पीछे खिलाड़ी है, अच्छी फील्डिंग, पूर्वानुमान अच्छा, बाउंड्री लाइन के नजदीक कपिल की फील्डिंग, अच्छा थ्रो जरूर है लेकिन वो लेंथ वो फ्लैट नहीं था थ्रो, वो उछाल भी ज्यादा था, ओवर पूरा हुआ। रन बने हैं 68, विल गोइंग टू बी द फाइनल ओवर। 68 चार खिलाड़ियों के नुकसान के ऊपर 7 ओवर के खेल में। अच्छा स्ट्रोक खेला है, पीछे खिलाड़ी ने पहला रन भाग लिया है, जब तक खिलाड़ी भागे गेंद को उठाए फील्ड करे थ्रो करे रन दूसरा नहीं बन सकता है वहां, अच्छा थ्रो बेहतरीन फील्डिंग, फैजान खान डीप मिड विकेट के ऊपर फील्ड कर रहे हैं, सिंगल रन बना 69 इसी एक रन की मदद से। अभी फिलहाल टोटल अंतिम ओवर चल रहा है 1.1 ओवर, कोई मिडन नहीं, 5 रन एक सफलता, यह है बॉलिंग एनालिसिस लखन का। पुष्पक जी पगार 10 रन बना चुके हैं 6 गेंदों के ऊपर, फिलहाल नॉन स्ट्राइकिंग गेंद के ऊपर वही आनंद जी स्ट्राइक ले रहे हैं 5 रन बनाकर। ये अच्छा गेंदा रन लेने के लिए आगे निकल रहे थे, फिर देखा और लगभग लगभग मेकाउंट रन 5 खिलाड़ी के नुकसान के ऊपर, बेहतरीन गेंदबाजी, रन लेने के लिए आगे कोई बैकअप नहीं, गेंद पीछे जा रहा है, रन नहीं लेना चाहते हैं, अंतिम ओवर चल रहा है।
बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण स्वीकार करते हुए 70 रन बना चुके हैं देवाजी निगम। अगले खिलाड़ी मैदान के अंदर। अच्छा स्ट्रोक खेला है पीछे, खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन के नजदीक आधार, जब तक गेंद को उठाए फील्ड करे थ्रो करे आसानी के साथ एक सिंगल रन। पुष्पक जी पगार, कुछ गेंदें जो बची है इस ओवर की वो खेलेंगे। 71 रन बन चुके हैं। ये बल्ला चलाया जरूर, अंपायर का डिसीजन आ रहा है वाइड। 72 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर फिलहाल लगता हुआ। काफी अच्छी हुआ, सदी भी गेंदबाजी जरूर हुई है लेकिन बीच बीच में कुछ गेंदें वाइड हुई है, थोड़ा सा फील्डिंग में भी फंबल देखने को मिला है कई जगह के ऊपर, उसका अतिरिक्त लाभ जरूर मिला है। 72 रन बने हैं। अच्छा ड्राइव लगाया पीछे, खिलाड़ी जरूर है, पहला रन भाग रहे हैं, जब तक खिलाड़ी उठाए गेंद को फील्ड करे थ्रो करे दूसरे रन के लिए आगे निकले है और नहीं हो पाएगा। बेहतरीन रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर करते हैं लेकिन शानदार थ्रो, अंतिम गेंद के ऊपर विकेट गिरा, एक रन ही बन पाया। 73 बने हैं, 74 रनों का लक्ष्य रहेगा मानस के 11 के सामने।
एक प्रेशरचा सामना, प्रेशर मुकाबला त्याला म्हणतात. हाय व्होल्टेज मॅच. नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करताना सिद्धी इलेव्हन संघाला प्रथम फलंदाजीचं निमंत्रण. 8 षटकांच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर 73 धावा जमवल्या, 74 धावांचं आव्हान ठेवलेलं आहे. आता बघूया धावांचा पाठलाग कशा पद्धतीने होतो. कपिल स्ट्राईकवर आहेत आणि नॉन स्ट्रायकिंग एंडला फैजान. गोलंदाजी मार्गवर देवाजी निकम. मॉर्निंग शिवनेरीच्या कर्णधारांना विनंती आहे टॉसरी येऊन जा. सामना सुरू झाला. पहिला चेंडू यष्टीरक्षकाकडनं क्षेत्ररक्षण, थोडीशी चूक, तो बाउन्स मिळाला नाही, ती उसळी मिळाली नाही. घरंगळी खात चेंडू यष्टीरक्षकाच्या मागे गेला होता. सुंदर दर्जेदार अव्वल अप्रतिम असं क्षेत्ररक्षण निश्चित झालं आणि एक धाव या ठिकाणी खर्च झाली. पुष्पकजी पगार यांनी चेंडू अडवला होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगला बॅकअप ज्याला म्हणतात. पहिली धाव फैजान खान स्ट्राईकवर. चांगली गोलंदाजी, गडीबाद, फैजान आउट विदाउट स्कोरिंग. चला कॅप्टन आलेले आहेत. मॉर्निंग शिवनेरी आणि एकता इलेव्हन या दोघ संघांदरम्यान आजच्या दिवसाचा अंतिम सामना जो खेळवला जाणार आहे त्याची नाणेफेक या ठिकाणी होते आहे. चला तात्या पाटील यांच्या हस्ते करून घेतला. तात्या पाटील आणि विनोद भाऊ परदेशी यांच्या उपस्थितीत तात्या पाटील यांच्या हस्ते हा या सामन्याचा नाणेफेक या ठिकाणी होत आहे. चला थोडं लवकर करा. नॉकआउटचे जे सामने खेळवले जात आहेत त्यात रायझिंग शिवनेरी संघाचे कर्णधार आणि एकता इलेव्हन संघाचे कर्णधार या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. नाणेफेक झाली आहे. थांबा थांबा, जाऊ नका, जाऊ नका, थांबा चालू, जाऊ नका, थांबा चालू, थांबा जाऊ नका. प्रथम तुमचा काय निर्णय असेल? टॉस जिंकून, टॉस जिंकून तुमचा काय निर्णय आहे बॉबी भाऊ? प्रथम बॉलिंग करू आम्ही. बरं, या खेळपट्टीवर तुम्ही आतापर्यंत एवढे सामने खेळलेत, प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय तुमचा का राहिलेला आहे? आमच्याकडे बॅट्समन चांगले असल्यामुळे आम्ही चेसिंग करू. भूषण पाटीलजी,
जर तुम्ही समजा नाणेफेक जिंकली असती तर तुमचा काय निर्णय राहिला असता? आम्ही बॅटिंगसाठीच गेलो असतो. म्हणजे दोघं संघांना जे हवं होतं ते या ठिकाणी मिळालेलं आहे. एकूणच दोघं कर्णधारांना माझा एकच प्रश्न आहे, या खेळपट्टीबद्दल आणि या मैदानाबद्दल किंवा या मालिकेबद्दल तुमचं काय मत आहे? प्रथम बॉबी. काय नाही, सर्वात छान टुर्नामेंट आहे मालेगाव. कायम ही टुर्नामेंट चांगलीच होती आणि चांगला खेळायचा प्रयत्न असतो, प्रत्येक जण जिंकण्यासाठीच खेळतो. ओके, तुमचं काय मत आहे पाटील? मालेगावातले सर्वात दर्जेदार टुर्नामेंट असल्या कारणाने आणि इथल्या मालेगाव तालुक्यातल्या सर्वांना समभाव आणि समावेश सर्व यांना सर्व भेटतं असल्या कारणाने ही टुर्नामेंट खूपच कामाची आणि खूपच जवळकीची आहे आणि याच्यात आम्हाला खूप चांगलं प्रतिसाद पण भेटलेला आहे. चांगली टुर्नामेंट. ओके, थँक्यू बोथ कॅप्टन्स, कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड बेस्ट ऑफ लक फॉर बोथ टीम्स. नाना बुहारी यांच्याकडून 100 रुपयांचं पारितोषिक, हॅट्रिक घेतली तर 500 रुपयांचं पारितोषिक असणार आहे देवा निकम यांच्यासाठी. चांगली गोलंदाजी खेळण्याचा प्रयत्न होता नवीन फलंदाज योगेजी मोरे. ऑफच्या एसीच्या बाहेर बंजांचा निर्णय वाईड. वाव, स्टँड अँड डिलिव्हर ज्याला म्हणतात, आत्मविश्वास झळकला फटक्यामध्ये. मैदानाच्या मदतीने चेंडू ड्राईव्ह केला होता लॉंगअपच्या दिशेने. जॉन्टीचं सुंदर क्षेत्ररक्षण, चांगलं क्षेत्ररक्षण, एक धाव घेण्यात यशस्वी. एका धावानं धावफलकात एक धाव जोडली जाईल, एकूण धावसंख्या पुढे सरसावेल. 3 धावा झाल्या आहेत, 2 बाद 3. कुठेतरी ज्या सुरुवातीची अपेक्षा होती ती सुरुवात या ठिकाणी झालेली नाही आहे. एका आषटकाच्या समाप्तीनंतर 4 धावा आहेत धावफलकावर, 2 गडी बाद 4. गोलंदाजीच्या मार्कवर गेंदबाजी का क्रम बल्कि सुरू होने जा रहा है. मुकुंद परदेशी आए हैं. ज्या पद्धतीने आपण आतापर्यंत ही संपूर्ण मालिका बघतोय, या मालिकाच्या आयोजनामागे, नियोजनामागे, ऑर्गनायझेशन मागे ज्यांचा सगळ्यात मोठा हात आहे ते आपले रविदादा अहिरे, आपल्या MTCPL चे आधारस्तंभ. निश्चितच कमिटीचं आणि त्यांचं कौतुक करावं तेवढं कमीच. अतिशय चांगलं असं नियोजन आतापर्यंत राहिलेलं आहे. नवीन जगातला पहिला चेंडू कपड्याने उचलून फेकून दिलाय वाटतं लॉंग ऑन सीमारेषेवरून, एक षटकार त्याच्या बॅटमधून. अतिशय चांगला फटका पाहावयास मिळाला, एक उत्तुंग षटकार खेचला, परिस्थिती बदलली. आता गोलंदाजावर प्रेशर.
चांगली गोलंदाजी मुकुंद या मालिकेत आतापर्यंत 6 गडी त्यांना बाद केलेले आहेत. चांगल्या इकॉनॉमीनं त्यांना गोलंदाजी ठेली आहे. 2 इनिंग मध्ये गोलंदाजी करत 6.5 धावा प्रतिशतकच्या सरासरीनं धावा देत त्यांना 6 गडी बाद केलेले आहेत. परत एकदा उजव्या हाताने ओर्ध विकेट परत एकदा उत्तुंगरित्या उचलून फेकलाय वाटतं. हा देखील सीमारेषेच्या बाहेर जातो की काय. षटकार मिड विकेट मधून या षटकातला दुसरा त्याचा बॅट मधून. षटकार गोलंदाजी हवी होती आणि आता मात्र फलंदाजाने हल्लाबोल केलाय आणि बघता बघता 16 धावा धावफलकावर लागल्यात. बघा 1.3 षटकांच्या गोलंदाजी नंतर 16 धावा धावफलकावर 2 गडी बाद. केवळ आणि केवळ हा मानसिकतेचा खेळ आहे. द्वंद्व हे खऱ्या अर्थानं आपल्या मनात चाललेलं असतं. परत एकदा पुढे सरसावत. टायमिंग एवढी व्यवस्थित झाली नाहीये. चेंडू ट्रॅव्हल होतो. जावेद शतरक्षक आहे. शतरक्षणात चूक चांगल्या अव्वल दर्जेदार शतरक्षकाकडनं. शतरक्षणात चूक 2 धावा खर्ची झाल्या. नाहीतरी त्या ठिकाणी 2 धावा झाल्याच असत्या. यस मारुष्कीच्या प्रत्येक षटकारासाठी पराग शेवाळे यांच्याकडून 101 रुपयांचं पारितोषिक. परत एक चांगला लेंदो चेंडू म्हणू शकतो आपण. निश्चित चांगला वापसी चांगली परतावा चांगला रिप्लाय मुकुंदचा. 2 षटकार खाल्ल्यानंतर 1 धाव या ठिकाणी आलेली आहे. अंतिम चेंडू असेल या षटकातला. थोडस महागडे षटक झालेलं आहे. मात्र क्रिकेटचा खेळ पॉवर प्लेच्या षटकांमध्ये गोलंदाजी करणं खूप अवघड कार्य असतं. एक चांगला फटका म्हणू शकतो. मात्र शतरक्षक आहे वाटतं तिकडं आणि झेल टिपला गेला. आनंदजी यांचा चांगला झेल. थोडासा ऑफसाइड पोझिशन मध्ये होतो. यस नवीन बॅटर्सच्या मैदानात विनोद भाऊ चंचल मुघल छबीचे ओनर यांच्या प्रत्येक षटकारासाठी किरण दादा यांच्याकडून 101 रुपयांचं पारितोषिक. नारायण भाऊ निकम सात मानेकर यांच्याकडून देखील 101 रुपयांचं पारितोषिक. 19 धावा झालेल्या आहेत. 3 बाद 19 2 षटकांच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर ज्या पद्धतीने रवी दादा यांनी या संपूर्ण मालिकेत कार्य केलेलं आहे, ज्या पद्धतीने लिडिंग फ्रॉम द फ्रंट ते राहिलेले आहेत आणि स्वतः मैदानावर जाऊन अंपायरिंगचं काम देखील करतायत, खरोखर वाखाणण्याजोगतं कार्य त्यांचं राहिलेलं आहे. आणि नवीन खेळाडूंना, ग्रामीण खेळाडूंना, ग्रामीण टॅलेंटला, ग्रामीण गुणवत्तेला, ग्रामीण मुलांच्या खेळाला वाव ज्या ठिकाणी त्यांनी उपलब्ध करून दिला आहे, एक वन ऑफ द बेस्ट प्लॅटफॉर्म त्यांनी तयार करून दिलेला आहे. ग्रामीण खेळाडूंना आपलं स्किल कौशल्य दाखवण्यासाठी त्यांचे खूप खूप आभार, खूप खूप धन्यवाद. एक क्रिकेट कॉमेंटेटर म्हणून, एक क्रिकेट समालोचक म्हणून, एक क्रिकेटचा चाहता म्हणून. एकोणावीस धावा 3 गडी बाद 19 2 षटकांच्या खेळाच्या समाप्तीनंतर धावा चांगल्या आहेत धावफलकावर, मात्र गडी 3 गमावल्या आहेत आणि निश्चितच 12 चेंडू तर 19 धावा चांगल्याच आहेत. 3 गड्यांचाच फक्त प्रश्न आहे. बघूया नवीन षटकासाठी तयार होतोय
जावेद एक नामवंत गोलंदाज मालेगाव टेनिस क्रिकेटचा। कपिल 17 धावा करून खेळतोय, दोन गगनचुंबी षटकार त्याच्या बॅट मधून आतापर्यंत आलेले आहेत। नवीन सगळ्यातला पहिला चेंडू उचलला आहे, फेकून दिला आहे स्कोरलेक पंकजा उजव्या दिशेने, स्कोरलेक सीमारेषेकडे चेंडू ट्रॅव्हल झालेला आहे। मुकुंद सर, मुकुंद परदेशी यांचं एक सुंदर क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी पाहावयास मिळालं, दोन धावा घेण्यात यश। दोन धावांच्या मदतीने 21 धावा धावफलकावर, चांगला फटका दर्जेदार अव्वल अप्रतिम सुपर सुंदर चौकार। पंचवीस धावा झालेल्या आहेत, जावेद गोलंदाजी करतोय, चांगल्या पद्धतीने खेळून काढलाय, पहिली धाव पूर्ण केलेली आहे। 116 पंधराच्या मागे गेलाय चेंडू, चिमारेच्याकडे क्षेत्ररक्षण विकास भाऊ शिंदे करतायत, चेंडू आडून फेकी केली, तत्पश्चात एक धाव घेण्याची संधी या ठिकाणी उपलब्ध होती। सव्वीस धावा या एकेरी धावेने, धावसंख्या आता 3-26, 24 धावांवर 10 चेंडूचा सामना करत कपिल नॉन स्ट्रायकिंग एंडला पहिला चेंडू खेळणार आहेत। विनोद भाऊ, प्रत्येक षटकारासाठी 101 रुपयांचं पारितोषिक जाहीर झालेलं आहे। पहिला गेलाय वाटतं, जबरदस्त फटका सीमारेषेच्या बाहेर, सुंदर जेल, चला एअरबर्ट घेण्यासाठी येऊन जा प्रेक्षक। किरण दादांच्याकडून 101 आणि नारंग निकम यांच्याकडून 101 रुपयांचं पारितोषिक या षटकारासाठी। हा पण गेला की काय, हवे फटका जेल, सुटला सीमारेषेच्या बाहेर, वन बाउन्स चौकार, चार लेग मधून पंचांचा निर्णय, ताकि जब चार धावा, जब जिंदगी तुम्हें पटके तो तुम फिर खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। गेला 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 वाटतं, हा देखील सीमारेषेच्या बाहेर, मिड विकेट मधून चौकार, हल्ला बोल, आक्रमक आताची फलंदाजी होते, षटक संपलेलं आहे। 36 धावा, आणि मिलिंद बाबा यांच्याकडून एअरबड जे दिलं जात आहे प्रेक्षकांना, त्यांचा आजच्या दिवसाचे मानकरी, आपलं नाव सांगा बरं दादा। अनवर भाई ने जो कॅच लिया बाउंड्री लाइन के बाहर, उसके लिए उनको एक एअरबड्स दिया जाएगा, चंचल मोबाइल के ओनर मिलिंद बाबा इनकी ओर से।
40 बन चुके हैं 3 ओवर के बाद। भाऊ ग्रुप चे ओनर अपरेंद्र जाधव यांच्याकडून 101 रनचा पारितोषिक आलेलं आहे देवबनिकम यांना विकेट साठी। नेहर की पहली गेंद खूबसूरती के साथ फ्रंट पकड़ आकर ड्राइव कर दिया है मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में गेंद जा रहा है। शानदार फील्डिंग, जबरदस्त तरीके से ग्राउंड कवर किया, जुबैर शेख लाजवाब फील्डिंग। हालांकि ऑकवर्ड पोजीशन में थे वो, इतनी अच्छी कंडीशन अच्छी स्थिति में नहीं थी गेंद फेंकने के लिए, फिर भी बेहतरीन थ्रो, केवल एक रन। पूरी जान लगा रहे हैं फील्डिंग में, कह सकते कि अभी ये साझेदारी बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। अच्छा गेंद है, वो खूबसूरती के साथ खेला है, खुद गेंदबाज भागते जा रहे हैं, नजदीक कोई खिलाड़ी नहीं, बाउंड्री लाइन का खिलाड़ी जुबर भाग रहा है, मिसफील्ड हुआ और रिकवरी हो रही है। आनंद जी फील्ड करे, नजदीकी मामला हो सकता था लेकिन थ्रो इतना अच्छा नहीं था। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट, बाल बाल बचे। अगर ये स्टंप के ऊपर होता तो फिर काफी पीछे रह जाते, लेकिन वैसा कभी नहीं होता जैसा हम और आप सोचते रहते हैं। मैन प्रपोजेस, गॉड डिस्पोजेस, जीवन दान मिला, फॉर्चून फेवर द ब्रेव। बाल बाल बचे, सर सलामत तो पगड़ी 50 अभी फिलहाल बल्लेबाज के लिए कह सकते हैं। बहुत जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट, देवाजी निकम शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। ये लाजवाब तरीके से खेला है, पैडल कर दिया है, दो खिलाड़ी भाग रहे हैं, पहले ने गेंद रोका फिर उठाया, अजय ने गेंद को उठाया लेकिन दो रन लेने से नहीं रोक सके। शानदार रनिंग एक बार फिर, ऑफ स्टंप की बाहर की गेंद, मानो स्पिन गेंदबाज को खेल रहे हो, इतनी आसानी के साथ गेंद को पैडल किया था, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। 25 कपिल के बल्ले से, 16 विनोद के बल्ले से, कुल मिलाकर तेजी के साथ रन आगे बढ़ रहे हैं। इस बार पॉइंट की दिशा में पैडल करना चाहते थे, अच्छी फील्डिंग है, एक बार फिर जबरदस्त दौड़ विकेटों के बीच। गेंद मल्ले से बल्ले से लगकर महज 10-15 कदम की दूरी के ऊपर ही गया था कि 26 कदमों का यह फासला आसानी के साथ पूरा कर लिया। एक बेहतरीन तालमेल, खूबसूरत अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, उसकी बदौलत। छियालीस 3 खिलाड़ी को नुकसान के ऊपर, 3.4 ओवर का खेल, देवाजनी कम 1.4 ओवर, कोई मैडम नहीं, 10 रन और 2 सफलताएं, बेहतरीन बॉलिंग एनालिसिस, अच्छे खेले, खूबसूरती के साथ फ्रंट फुट के ऊपर आकर ऑन ट्राई किया है। मिड विकेट की दिशा में गेंद जा रहा है, एक बार फिर जुबैर शेख को लंबा ग्राउंड कवर करना था, लॉन्ग ऑन से मिड विकेट की दिशा में आए, सर्कल के आसपास गेंद को फील्ड किया, सिंगल रन बनाने का पूरा समय था वहां। कपिल को 25-11 गेंदों के ऊपर, कपिल 26-12 गेंदों के ऊपर, कपिल के कुल मिलाकर 47 आखिरी का गेंद इस ओवर का। ये अच्छा स्ट्रोक नहीं था लेकिन फिर भी मानना होगा कोई विकेट नहीं गिरा, अच्छी फील्डिंग जरूर हुई, अंतिम गेंद के ऊपर कोई रन नहीं, विकेट समाप्ति का डिसीजन आया अंपायर गौरव जी इनकी ओर से। गौरव और रवि दादा ये दोनों अंपायर अंपायरिंग कर रहे हैं, रवि दादा जो कि MDCPL के बैकबोन भी कही जा सकते हैं, लेकिन 24 गेंदों के ऊपर 27 रनों की दरकार है, कुल मिलाकर 47 रन बने हैं। मैं बात कर रहा था कि अंपायरिंग की, खुद सीनियर खिलाड़ी होने के बावजूद भी मैदान के अंदर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट अंपायरिंग, बड़े मुकाबले है, 24 चेंडूं मध्ये 27 धावांची गरज। हॅलो,
सांगा सर, आए है गेंदबाजी के लिए, देखते हैं कि अभी 24 गेंदों के ऊपर 27 रन की जो दरकार है, 24 चेंडू तो 27 धावन की गरज विजय सर, 27 रन रिक्वायर्ड एट द रिमेनिंग स्टॉप 24 डिलीवरीज। इट्स मीन क्वाइट अ कंफर्टेबल पोजिशन सिचुएशन बैटिंग साइड, 7 खिलाड़ी अभी है, 24 गेंदे है, 27 ही रन बनाने हैं, दोनों बैटर सेट है, 19 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, विनोद नॉन स्ट्राइकिंग एंड के ऊपर खड़े हैं, स्ट्राइक ले रहे हैं, 26 नॉट आउट। नहीं की पहली गेंद लाजवाब टाइमिंग, कोई मौका नहीं है, देवाजी निकम भाग रहे, पहला रन भागकर पूरा कर लिया है, देवाजी निकम ने पैरों से गेंद को रुका उठाया, फिर गेंद को थ्रो किया, तब तक आसानी के साथ दूसरा रन बना चुके थे, ओवर थ्रो का तीसरा बन जाएगा। क्या कर सकते हैं जब ये परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि आपको गलतियां करने पे विवश कर देती है, ये प्रेशर अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को गलतियां करने पे विवश कर देता है, वरना सभी खिलाड़ी अच्छे ही होते हैं। विनोद यांच्या प्रत्येक षटकारासाठी सागर पवार यांच्याकडून 100 रुपयांचं पारितोषिक। क्या रन बन चुके हैं, जीवन दान मिला और अब कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, विकेट का कोई ज्यादा महत्व अभी नहीं है, विकेट बहुत बची है, रन बहुत कम लग रहे हैं। ये गेंद क्या जबरदस्त टाइमिंग के साथ उठाकर खेला है, कोई खिलाड़ी नहीं है, फाइन लेके शॉट फाइन लेके खिलाड़ी के फेर के ऊपर से गेंद पीछे सीमा रेखा के बाहर, वन बाउंस। अच्छी गेंद लेकिन अंपायर का डिसीजन आ रहा है के काफी ज्यादा बाहर, रवि दादा ने दोनों हाथ हवा में ले रहा है, इसका मतलब अतिरिक्त गेंद हो गया है, एक गेंद और करना होगा, एक रन भी बन गया है। बेहतरीन ड्राइव लगा, लंजिंग ड्राइव जिसे कहते हैं, पूरा स्ट्रेच करते हुए गेंद को खेला, पॉइंट और कवर के बीच में से गेंद डीप में फील्ड हुआ, पवन ने गेंद को फील्ड किया, एक रन नहीं रोक पाए, आसानी के साथ सिंगल बना, 118 छक्के, 296 चौके लग चुके हैं। ये गेंद उठाकर खेला है, वन बाउंस जाएगा सीमा रेखा के बाहर, थर्ड मैन से बैकफुट पॉइंट से हल्का अंतिम गेंद होगा इस ओवर का। ये गेंद सर के ड्राइव लगाना चाहते थे, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा, बैकवर्ड पॉइंट या गली की दिशा में गेंद फील्ड हुआ, बिना किसी रन के लिए ओवर पूरा हुआ, अंतिम गेंद के ऊपर कोई रन नहीं बना, कुल मिलाकर 60 बने हैं, 5 ओवर पूरे हुए, 14 भागा लगता है, 18 सेकंड लास्ट 3 ओवर। यस डीजे यस, तू कर
हर मैदान फतेह। देखते हैं ये अनुभवी गेंदबाज बहुत ही जबरदस्त फाइटर है, आखिरी समय तक लड़ने वाला ये गेंदबाज किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। मुकुंद सर आए हैं, मुकुंद परदेशी आए हैं, कुल मिलाकर 7 विकेट अब तक हासिल कर चुके हैं इस टूर्नामेंट से, इस मुकाबले से 1 विकेट हर्षित हासिल कर चुके हैं। 18 गेंदों के ऊपर 14 रनों की दरकार है। कपिल बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, 34 रन बनाकर खेल रहे, 15 गेंदों के ऊपर कुल मिलाकर 61 बन चुके हैं, 24 विनोद के बल्ले से 9 स्ट्राइकिंग इनके ऊपर खड़े हैं। मुकुंद का यह दूसरा ओवर टीम की ओर से छठा ओवर लेकर, पहला ओवर थोड़ा महंगा रहा था। मुकुंद चले ओवर द विकेट से, जबरदस्त गेंद, शानदार गेंद खेलना चाहते थे, बल्ले से लगकर या पैरों से लगकर गेंद गया जरूर है, चले अंपायर के सामने गेंद फील्ड हुआ, वाइड था ये, इसका मतलब है 22 का रन भागा है, एक 22 और एक वाइड, इस तरह से कुल मिलाकर 2 रन बन गए, 12 ही बचे हैं, 18 गेंदे हैं, गेंदे ज्यादा रन कम विकेट 7 बची है, तो इसका मतलब लगभग लगभग ये मुकाबला बैटिंग करने वाली टीम के फेवर में दिखाई दे रहा है। कह सकते कि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल जरूर है। ये लाजवाब टाइमिंग, खिलाड़ी है बाउंड्री लाइन के नजदीक, जुबेर ने भी टपका दिया वहां गेंद, फिर रिकवरी भी काफी देरी से हो रही है, 2 रन बचाए जरूर है, कह सकते कि 2 रन खर्च हो गए हैं, जहां विकेट मिल सकता था वहां 2 रन खर्च हो गए हैं, गलत तरीके से मेहनत करने के ऊपर आपको कहां सही रिजल्ट मिलने वाला है, यहां से भी मैच टर्न हो सकता था, वो उम्मीद लगाई जा सकती थी, उम्मीद पे दुनिया कायम है। ये गेंद विकेट के पीछे जा रहा है, सरपंच सावतावाड़ी के दीपक जी मोहिते, इनकी ओर से 101 रुपए का इनाम है हर एक छक्के के लिए, अभी रन केवल लग रहे हैं 9। बहुत ही जबरदस्त साझेदारी, मौके जरूर बने हैं लेकिन वह लपक नहीं पाई है फील्डिंग करने वाली टीम। ये अच्छा गेंद है, फ्रंट फुट के ऊपर आकर रक्षात्मक तरीके से हल्के हाथों से ड्राइव लगाया, मिड ऑन से गेंद, गेंदबाज के दाई ओर से पीछे गया गेंद, मिड ऑन के आसपास जुबेर ने गेंद को फील्ड किया, एक सिंगल आसानी के साथ पूरा हो चुका था। ये क्या जबरदस्त टाइमिंग है, ये 100 रुपए वाला ही है, क्या सी ले लिया है, आ जाए दर्शक, ये भी आ जाए छोटा, उसके अंदर कैच पकड़ लेते हैं आता है। कोणा जे दे सरपंच दीपक जी मोहिते यांच्याकडून 100 रुपयांचं पारितोषिक। ये भी तो लग रहा है सीमा रेखा के बाहर ही जाने वाली है, 4 रन विनिंग, मैच पूरा हुआ। मानस के इलेवन जीतकर सेमीफाइनल में चला, विनोद इकडे येऊन जा, कपिल भाऊ तुम्ही पण येऊन जा, इकडे दोघं बॅट्समन इकडे येऊन जा, बॅट्समन शंभर शंभर रुपयांचं पारितोषिक देत आहेत तात्या पाटील। दीपक जी मोहिते सरपंच यांच्याकडून 100 रुपयांचं पारितोषिक, या तुमची 100 घेऊन जा।
चला चला बरं. कपिल ज्यानं आताची आता खेळलेल्या सामन्यात एक चांगली फलंदाजी केली त्याला चंचल मोबाईलचे ओनर मिलिंद बाबा यांच्याकडून 500 रुपयांचं पारितोषिक देण्यात येते. चला कॉंग्रॅच्युलेशन विनिंग टीम लुजिंग टीम सिंपथी फॉर युअर एफर्ट इट इज अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ द गेम समटाइम यू लूज समटाइम यू ओन.